और कौन आता है खाली हाथ? अज्जू, खतरनाक गेंदबाज जीशान पटेल, जिस टीम के है पांसार। इज गॉन, जोर का झटका यहां पर धीरे से लग चुका है, बड़ा विकेट। क्या शुरुआत यहाँ पर कर दी है अज्जू ने। और कृष्णा जानकारी देते हुए कि इस ओपीएल में शोएब पटेल 3 मरतबा 0 पे आउट हुए, एक ही पारी खेली थी इससे पहले। और अब ये बल्लेबाज को हम नहीं भूल सकते कि उसके इससे पहले इस बल्लेबाज ने काफी बड़ी पारी खेलकर एसपी एलियन को हराया था। अब ये जो बल्लेबाज है इसे मैन ऑफ द मैच मिली थी आपके खिलाफ जहीर, यकीनन। तो ये तोरा तोर बल्लेबाज है और ये मांडे इज गॉन। क्या बात है, क्या बात है। तो ये देखिए, ये जो खिलाड़ी था, शॉट इतना पावरफुल था, गेंदबाज बल्लेबाज सागर, देखिए कितना बढ़िया स्ट्रोक था उनका। तो शायद मेरे ख्याल से गोलवाड़ी टीम और कृष्णा सामने धामोला की टीम है हमारी, इन्हें भी यदि हमारे इन मैचेस में जब ग्रामीण रहते तो लेना चाहिए जहीर मेरे ख्याल से। अब अजय भूर की जो प्रतियोगिता है कुछ 2-3 तारीख को फरवरी में, शायद अजय भूर इस एरिया की जो टीमें घोलवाड़ी, हमारे धामोला, हेदोरवाड़ी, ऊपर की फनसवाड़ी, इनको भी लेना चाहिए, एक पोल हम ऐसा बनाते। लेकिन इनको मैं कहूंगा कि हाफ एंट्री रखनी चाहिए, आप जरूर जरूर हर आयोजन में उनका खेल भी सही। हाँ, हाफ एंट्री देनी चाहिए, कुछ वादा नहीं। शायद हम कोशिश करेंगे जहीर उन्हें बाहर निकालने के लिए, यकीनन यकीनन ये अपनी कोशिश होनी चाहिए। आपका साथ हो तो जरूर हम उन्हें निकाल सकते हैं, क्योंकि हम नेरा विभाग में वहां पर ऊपर चले जाते हैं तो कितने अच्छे अच्छी टीमें हैं आदिवासी समाज की। हाँ, ये भी जाते तो हम भी बनाते हैं ऐसी टीमें अब। हाँ, कुछ वादा नहीं, जैसे आप समाधान कातकरी खेल रहे हैं। आप अगर किसी को लाएंगे फोकस में तो ला सकते, क्योंकि जिस तरीके से आपने कोपड़ा के गुरु तोरेकर को लाया था, वो आगे हमारे इम्बा पटेल को लाया था, काफी फेमस बन चुके थे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, अपने हाथ में जितना होता है, आपका साथ हो तो जरूर ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये देखिए अच्छा शॉट जहीर, लेकिन आकिब कितना दौड़ता, देखो वो फुल मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे। नहीं, ये जो टीम है, ये आज के 4 टीमें खेली थी उसमें ये जो टीम है ये शांत टीम है, इनका बोलबाला कुछ नहीं लगा है मेरे ख्याल से। आरला लड़का इधर बोलबाला देते होते बाबा, बस शिरा कोड़ी फुकता देते थे, जीत रहे थे सिर्फ, शांत रहते हैं, शांत है, शांत एकदम शांत दिखाई दे रहे हैं और अच्छा खेल कर रहे हैं। हार पचानी चाहिए, जीत के तो सब सब खुश रहते हैं। अपना आतिक पला ला बाबा, नहीं नहीं निको निको, आप यू ही ऐसे नहीं आए, काफी अच्छी आपने गेम की, गेम तो की थी, 2 ओवर तो अच्छे हुए थे हमारे, क्रिकेट अनिश्चित भरा खेल है। नहीं ऐसा ही हुआ, निको निको ऐसा लगा ओपीएल एसपी वॉरियर्स टीम ही जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि लग रहा था कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी और इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा पाए। मेरे को पूरा डॉट आ रहा है क्योंकि प्रीतम मात्रे स्टेट के ऊपर कभी आता नहीं,
वो स्टेज के ऊपर आ गया और कुछ भी नाटक करके गए प्रीतम मात्रे, उसके ऊपर बंदी लगानी चाहिए थी। जयर हाँ बोल। जिलानी ने नवीन धंधा खोल ले तो एडवर्टाइज कर, शोर में तो धंधा खोल ले। जिलानी जो भी धंधा चालू करेगा नाके और टाक ले शोरमा, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। यस बिल्कुल, धंधा ही कर रहे हैं ना तो ये तो अच्छी बात है। एडवर्टाइज करा, एडवर्टाइज भी करेंगे, उसको कुछ हेल्प चाहिए वो भी करेंगे। गिलानी एक अच्छे इंसान है रे, गिलानी साथ हो। आता तुला प्रीतम ताकीद देऊन होते परत आता कधी आमची तुमची मेहनत लागली तर येऊ नको इशेजवर। सत्कार भी तुम्ही करून नाही घेतले, तुला मी बोलू सत्कार तरी करून घे, ते भी नाही करून घेतला तुम्ही। नाही वो फायनल तक रुके जाईर, उन्हें कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि हम फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन शोएब आउट हुए है पहली गेंद के ऊपर, जिसका इंतजार किया था। ये देखिए गिलानी, गिलानी स्क्रीन के ऊपर है, आप जरा हाथ भी दिखाइए। ओ किली बॉल, आकी पटेल यहाँ पे छा गए है। वो जूतिया है ना, जूतिया खलील का कहना है बॉलिंग बैटिंग के लिए, वो जूते देखकर आकी फेर रहा है। आपका ही 12 भाई बोल रहा है खलील, कूलर विलर नहीं बैठा था, कूलर नहीं बैठा था। नहीं नहीं, जिसका हक होगा उन्हीं को मिलेगा। लेकिन पांच के ऊपर दो विकेटे, पांच के ऊपर दो विकेटे के तीन गए, तीन तीन गई, तीन गई। अब तुरुप का इक्का, बादशाह दला बादशाह, लंबे छक्के मारने वाला बादशाह चलाइए। नहीं लेकिन आपको महंगा वही पड़ा। हाँ नेहरा में खाली घूम रहा था ये कोपरोली में, उधर भी थोड़ा कुछ करने का ना, तो इधर हमारे दिल जाने के बैठे। गए साल आप वहां पर जहीर चैंपियन थे शायद, एक चैंपियन थी, एक इन चैंपियन थी। पहले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी अकीब और तौसीफ में, 13 गेंद में 36 बनाए थे। लेकिन उसके बाद दर्शकों को कोमा में डाल दिया था इन्होंने, 17 गेंद में लास्ट के 11 रन बनाए थे, फिर भी मुकाबले जीते थे वो। शिवाशेट गोंदली सिमीला पोचले आज कौशाला 2 लाखाच्या मॅजीला। क्या बात है, शिवा गोंदली कुछ भी कभी भी कर सकता है, ये भी कुछ भी कभी भी कुछ कर सकते है। तो आइए शिवा गोंदली आपका स्वागत है। अरे वाह क्या यार, क्योंकि जहीर देखिए जब शिवा गोंदली कुछ ठान लेते कि हम ये करेंगे तो वो करके दिखाते। और बिल्कुल उनका आगमन 2 का 11 ये संकल्पना उन्होंने लाई और वो भी सक्सेस हुई। काफी अच्छे इंसान है और उनका भी यहाँ पर आगमन, शिवा गोंदली का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये अच्छी गेंद नहीं है, बिल्कुल वाइड निकली अफान की तरफ से, वाइड करार। तोशु पटेल शरबत मंगवाऊ अंदर, एक कॉमेंटरला शरबत अंदर आयोजक अनक नहीं, नहीं नहीं खाली जहीर पटेल आप पीजिए। नहीं ये तो खातिरदारी काफी है आपकी, और बेहतरीन। और ये देखिए अपील आउट पंचन नॉट आउट, नॉट आउट। अरे काही है लफड़े में गुरु, ये अपन काय करते। तो चलिए यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। प्रेशर करते, प्रेशर करते तू। ये अपन पहले देवनों को हाँ इधर आउट गई ना, ये आपला घर तक खेलना है। चलिए चलिए, तुमची टीम है मग तू कहीं भी करशील काय, ये सगळ्यांची मिली बघत है, त्याची कशी गलती नाही, फुकट आउट देते ना। नहीं नहीं वो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसा ही लगा। नहीं आउट देना चाहिए टीम के, हंसी मजाक वाली टीम है। नहीं नहीं जी नहीं, जी नहीं है। ओ क्या बात है, ओहो क्या फील्डिंग, लेकिन 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 नहीं 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 बचा सके गेंद 4 रन के लिए। हाँ 14 रन हो चुके हैं, 14। ओ अरबाज क्या किया तुमने अरबाज,
चार रन। हरबाज यहाँ पर आप जहीर देखिए, पहले रन नहीं आए थे पहले ओवर में, अब इस ओवर में रन आ रहे हैं। नौफिल पटेल ने कितने दिए? 100 रुपए डीजे के लिए। 500 क्यों बोलता है? संदीप पाटिल को हमारे टेंशन हुआ ना फिर? नहीं नहीं क्यों दिए उतना, झूठ बात करने को मत बोलो ना तुम। अरे निको जीएसटी उन्हें लगेगी, हम जीएसटी का देख रहे हैं। 18 हो चुका स्कोर, आकिब काफी महंगे साबित होते हुए। आकिब पटेल और गेंद हवा में, जीशान नहीं नहीं आला आला ता 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 ला। हेलो और ए इम्बा तूने अंपायर ला पूछले, अंपायर ला पूछने का सांग मना तू। इचर ले चल ले इचर ले पूछेंगे, पूछे पूछा लिया, पूछ लिया उन्होंने। टिप्स दे इम्बा, बगैर पूछ के जा रहे इम्बा, गलत है निको। क्रिकेट लाइव मैच चलो है, गपचुप सांग। तीन बॉल में 3 चौके आए हैं निको। निको आप क्यों इनके पीछे पड़े? आप आपको जैसे इन्होंने बाहर किया जहीर पटेल और आप उनके पीछे ही पड़े। नहीं हम किसके पीछे नहीं पड़ते हैं, लेकिन रूल अच्छा होना चाहिए। यस यस नौफिल बोलिए, आप नौफिल की बात सुनने हमें। जेर आपल्याला सवलत दिलती ते तो त्यांच्या, नाही आम्हाला सवलतच काही नाही, इंबाजी काही गरज होती ना जावचा यान, त्यांनी सांगला काहीतरी अनुभव आहे त्या। नाही नाही वो पहिले जब अंदर गए तो पहला मैच भी ऐसे जीते थे। हाँ उनका जब टिप्स होते है वो काफी फायदे में पड़ते है। जहीर जी जहीर तुम्ही वाट लावली आपल्या टीम ची भी। नाही नाही निको जैली गडबड जाऊ दे, आपल्या टीम मीटिंग थोड़ी दिवस 3 ओवर 22 उन्होंने जहीर पहला मैच हार के आपको मौका दिया था, लेकिन बाद में मौके का आपने फायदा नहीं उठाया, तो उन्हें क्यों आप कोस रहे हो? उन्हें हम नहीं कोसेंगे, तो बाद में वो आपको हराएंगे ना। ये टीम है ना, ये लाल वाली टीम बहुत खतरनाक टीम है ये। नहीं, उनका कलर रेड है। हाँ इनको हराना ये मानो के दांतों तले चने चबाना है, वो भी लोखंड के, वो भी लोखंड के। वाह क्या तोड़ रहे हैं। लेकिन इस टीम में मास्टरमाइंड इम्बा है, जब तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इम्बा लगता है वही कह के नहीं गया कि इस ओवर में कहते कि भी 10-12 रन ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रन तो है जी, रन आए हैं 24 है, तीसरा ओवर चलता हुआ। ओह बेहतरीन, सलीम भाई भी इस मैच का आनंद रहे। सलीम भाई ऐसा ही आप योगदान दीजिए, बच्चों का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब भी ओवा में मैच हो तो सलीम भाई का काफी अच्छा खासा सपोर्ट रहता है, तन मन धन सभी चीजों से इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए, ये तो बहुत सालों से क्रिकेट के शौकीन है। और गेंद हवा में, फील्डर तैनात नहीं कोई भी, नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई, बल्लेबाजों ने दौड़ की, 2 रन पूरे कर लिए, 2 रन के साथ टीम का स्कोर 2 से बढ़ता हुआ 26 रन। तो ये देखिए 26 रन गेंदबाजी में है इस समय, अज्जू तीसरा ओवर चल रहा है, कुछ टेंशन है बाबा का? यस नौफिल की तरफ से जहीर आ चुके हैं 200। नौफिल पटेल की तरफ से हमारे अध्यक्ष संदीप जी पाटिल के लिए 200 रुपए का इनाम आ चुका है, थैंक यू धन्यवाद नौफिल पटेल। ऐसे ही इज्जत अफजाई कीजिए आप, दानशूर व्यक्तिमत्व, दानशूर दानशूर इम्पाव नौफिल नवीद, इनकी एटीएम बैंक हमेशा खुली रहती है, कमेंटर हो खिलाड़ी हो, हमारे तो प्यार है हमसे। ये ऐसे है कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं हर समय। सलीम भाई क्योंकि ओपीएल गए सल पीपीएल हुआ था तो सलीम भाई ने 5,000 रुपए हैट्रिक के चक्कू के लिए भी दिए थे इधर, क्या बात है। और ये देखिए बेहतरीन, लेकिन आकिब है गुंजाइश तो, और एक करीबी मामला यहाँ पे हो सकता था। डायरेक्ट अंपायर के निको आंखों में तेल डालने की जरूरत थी अंपायर के, क्योंकि दोनों इतने किटकिटे थे ना कि पूछो मत। आउट देने वाला भी परेशान होता था,
और आउट लेने वाला भी परेशान। हाँ देखिए ये गेंदबाज, देखिए अज्जू पहली गेंद में दो दिए, उसके बाद डॉट। बहुत ही अच्छा शॉट। रिजवान पटेल काफी चक्कर लगा रहे। रिजवान का आएगा, इतने जाते इतने जाते, दोन दोन मिनट आला ये स्टेज हो रहे। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी, तीन ओवर की समाप्ति का टीम का स्कोर 29। पानी लेके जाए, ग्राउंड के अंदर पानी लेके जाए। तो 29 रन सोहेब गए, इम्बा नहीं इस बार गए, बदली पे है ये लगता है, ऐसा काम चल रहा है। एक शिप तो एक शिपियो, शिप के ऊपर काम चल रहा है। चलो अंपायर को भी पानी पिलाइए। हाँ शिवा गुंडली आइए। क्या है शिवा? ये बाबा ये शिवा, ये अरे आरो नहीं तो नाराज हो जाएंगे। शिवा ये बाबा ये बारहवा है क्या? बारहवे बहुत है। ये ग्यारह में कब आएगा? परवीन दुगारे ने कॉमेडी बहुत कम की है। बिल्कुल नहीं, अभी अभी उनका ही तोड़फोड़ करेंगे। वाइट बॉल, वाइट तीस तीस तीस। दो गेंदे हो चुके, 39 रन हो चुके हैं। अनुभव की कमी, तो जिकले आज पहले 1500 रुपए। इकतालीस और दो 43 रन हो चुके हैं।
41 हुए, 41 हुए, 39 और 2। करेक्ट शॉट। आता कशी तुझे बॅटी दोरा दोरा फिरतन रे? आता ओपनिंग ला घेते, ओपनिंग ला गेला, ओपनिंग ला कशी करक मारते बघ। कोहली ताना लगे लढे शिवा, हे बघ इकडे कसे खेळतात। हा शिवा हसला, शिवा बेस्ट ऑफ लक, नाइट के लिए सेमीफाइनल में पहुंच चुके आप, कौसा में 2 लाख की ट्रॉफी में। काफी खुशी हुई शिवा गोंदली ये खुशखबरी सुनकर। लेकिन कल जिस तरीके से मुन्ना ने जो ओवर डाला था आपने देखा होगा, संदीप पटेल जी, एक ओवर में 8 रन की जरूरत थी, उमर खान और दिनू कामले बैटिंग के लिए थे, लगातार 3 गेंद डॉट निकाली थी। नहीं नहीं, अच्छा फॉर्म में है मुन्ना इस साल, और काफी अच्छे फॉर्म में है, तो बिल्कुल काफी बड़ी प्रतियोगिता में फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंचे अब। 41 47 विवेक मात्रे देखिए 31 के ऊपर खेल रहा है निकू, तो ये देखिए एक और रन यहां पर जमा होता हुआ भौजी 48। तो वेग वेग से है ना, तो रिवर्स शॉट है ना, फेमस है, परफेक्ट 48। बार बार पानी, हर ओवर में पानी, ये ड्रम सांगू ड्रम पानी था। तो सिर्फ ये 50-50 ओवर के मैच तो नहीं खेल रहे, प्रत्येक ओवर ला तुम्ही पानी घेऊन जाता मग ते भी प्रत्येक ओवर ला घेऊन जाती नो। नहीं वो थक चुके हैं, 31-32 उन्होंने बनाए, 32 बनाए, जुलानी जाओ है। ए क्या है जहीर, जहीर यदि मैच जीतते आप तो आपका बच्चा मनी पॉकेट मनी नहीं लेता आपसे, वो डबल लेता था फिर। तो चलो 4 ओवर के बाद स्कोर है 48 रन, शहबाज शहजाद हमें जानकारी दे रहे हैं। नीलेश बात्रे अब 12 में आ चुके हैं क्या? नहीं 11 में जय हो, उनकी बॉलिंग अलग है बहुत। हाँ बेस्ट फील्डर शिवा और प्रीतम मात्रे बैठे उधर, नहीं वो सीप चल रही उनकी, किसी को भी भेजना है एक के बाद एक। ओहो हो अच्छी गेंद ऋतिक की, कौन है बॉलर? अनिल, नहीं नहीं नौफिल का बार बार नाम लेके, नौफिल ने हमारे को दिया है, वो संदीप पाटिल को दिया है। बराबर है, हाँ बराबर, हम क्यों नाम लिया ऐसा बोल रहे जहीर, सवाल ही नहीं। नहीं लेकिन इंसान अच्छा है, इंसान तो अच्छा है। ओहो हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है, आकिब नहीं छोड़ेंगे, ये बंदा क्या छोड़ने वाला नहीं है। तो विकेट मिले अनिल को, 12 गेंदों में 31 रन बनाए जहीर, देखिए इंपोर्टेंट पारी खेली, सीरीज के करीब है। नहीं नहीं सीरीज के करीब नहीं है, सीरीज को बहुत पीछे है ये लोग, क्योंकि सोहेल 113 हो चुके हैं कल के दिन। चलिए सोहेल पटेल की टीम रेडी होना है, तैयार रहना है यहाँ पर। हाँ अभी स्क्रीन के ऊपर हम शिवा गोंदली को देख रहे हैं, क्या अनिल हमारे कृष्णा मात्रे भी ढूंढ निकालते हैं, उनकी नजरें काफी तेज रहती है, शिवा को पकड़ लिया उन्होंने। नहीं नहीं फॉर्चून इवेंट्स की तो बात ही अलग है, अलग है, अलग है। हाँ भागे थे हो थोड़े, ओ इलिया बिलाल के हाथों में आसमान सा कैच और पकड़ लिया। Yeah.
क्या बात है, अमाम पटेल की तरफ से 100 रुपया डीजे हैट्रिक बॉल, कयामत का ये कयामत। तो क्या कर रहे या तो स्कोर है 49। हाँ यस, पानी शरबत। हाँ चलो अंपायर के लिए शरबत का इंतजाम कीजिए। इम्बा शरबत है अंपायर ला। यस जहीर के जमाई है लेकिन आरो 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 नहीं पकड़ सकते आरो, कितना भी दौड़ो तुम लेकिन लेकिन गेंद को नहीं रोक सकते। नहीं आरो तो बिजी है नोट गिनने में और 50 रन यानी कि 53 आएगा आएगा। तो शुभ क्या भाई शरबत आएगा तो रुकिए आयोजक फैसल जर से शरबत वगैरह पैसे देते दे, निको त्याला पैसे दे शरबत से ते आयोजक मग बिचार मग पैसे। अरे सुपला मार ये सुपला घे रे एकात घे आपला गावठी। परवीन तुला कोकणीन कॉमेडी करता येते का? शिकायला ना माझ्या जवळ। हा जहीर पता है शिकायगा आपको। मी तुला शिकवीन कोकणी भी शिकवते मराठी शिकवीन। मच्छिंदर कैसा आपला 2-3 भाषांवर कॉमेडी करते। 54 54 आइए प्रवीण जी आइए आप बैठिए जहीर जी के पास वो कोकणी सिखाएंगे आपको। हाँ ये परवीन ये तुला कोकणी शिकवते सुट्टी पाट्टी कोकणी शिकवते। ये तू जाम जाते हल्ला खोपुली यांगा त्यांगा कॉमेंट्रीला कोकणी जर शिकला जहीर त्या जिराण्याच्या धंद्याची ऍडव्हर्टाइज कर शोरम्याचा धंदा टाकले बघ चिकन शोरमा। जिराणी हसते निकला हसते काय तरी म्हणून शोरम्याचा टाकले धंदा शोरम्याचा नाक्यावर 4 दिवस पोलादपूर त्याला काही फुरसतच नाही। टेलरच्या बाजूला द्या। हॅलो 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 चंदन दास सपोर्टर आ चुके चंदन दास। जहीर भाषाएं तो जरूर अलग अलग होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी राजभाषा है और इंग्लिश अगर आप सीखोगे तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जा सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है जिस किसी भी भाषा में कमेंट्री मैं करूंगा उस भाषा में मुझे पूरी तरह से सक्रिय रहना होगा, पूरी तरह से वो भाषा। एक मैं बात आपको जरूर कहूंगा परवीन, आप चाहे कॉमेडी किसी भी भाषा में करो लेकिन जो आपको सुन रहे हैं ना वो भाषा समझनी चाहिए, नहीं तो आपकी कॉमेडी कुछ फायदे की नहीं। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही आपने, जो हमारे मुंह से जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो लोगों के समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं क्या बता रहे हैं, मैच किस सिचुएशन से जा रहा है, मेहमान भी खुश होने चाहिए बैठे हुए। जिस तरह आपकी जब टूर्नामेंट हुई थी एक मेहमान आए थे उनको काफी खुश किया हम लोगों ने, काफी खुश किया और उन्होंने भी हमें काफी खुश किया फिर और बाद में आपने भी मुझे काफी खुश किया। यकीनन यकीनन तो ऐसी खुशी बांटने से बढ़ती है। यकीन मानिए लेकिन किसे खुशी मिलेगी किसे फाइनल का मिलेगा टिकट, क्योंकि इतना परिश्रम होने के बाद हर कोई चाहेगा कि वो फाइनल खेले, चाहे वो टीम होगी 5-2, 5-6 आयशा 11 या फिर एंजॉय ग्रुप। हेलो हेलो तुला कोण वाटतं जिकल टोन मग कसा खराब केले टोन मग तो कसा खराब केले मला वाटतं तू जिंकणार एक जिकल कोण जिंकल सांग विक्या भाई गई विक्या भाई अध्यक्ष त्याला कुठला अध्यक्ष पद दिले नाही तो गोपीत आहे गोपीत आहे त्याला त्याला सत्कार करून घे शॉल नदी घे गुच्छ दे। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे क्योंकि इसके बाद फाइनल का भी होना जरूरी है। निकू जरा रुकी है फाइनल का होना जरूरी है 5-2, 5-6 आयशा 11 को रनों की जरूरत है एंजॉय ग्रुप के खिलाफ 55 रनों के 5 ओवर में। देखिए आकीब को पूरा खेलना होगा 5 ओवर, जिम्मेदारी उठानी होगी। सुबह मैंने कहा था इन यंगस्टर्स के पास मौका है फाइनल तक पहुंचने का, जो मैंने कहा था उसे साबित करने का वक्त आ चुका है इनके लिए। सेमीफाइनल का मैच है ये। इस जो यंग खिलाड़ी है सब अच्छे खिलाड़ी है, चुनिंदा खिलाड़ी चुने उन्होंने क्योंकि आकीब पटेल बात करें तो स्टार हो के एक सलामी के बल्लेबाज और एक विश्वासु बल्लेबाज है। हाँ निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कहाँ कहाँ पे आपकी टीम की गलतियां हुई, बाउंड्री आई उस
उसके वजह से स्ट्राइक सिंगल मिला, स्ट्राइक रोटेशन हुआ गलत विकेट कीपिंग के कारण। प्रैक्टिस कितना महत्वपूर्ण होती है इस खेल में जहीर? इस खेल में 101% प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस में रहता वो गलती मुझसे होती नहीं और हमारी टीम हारती नहीं। 100% मेरी वजह से टीम हारी है। देखिए इतना समझता है आपको तो प्रैक्टिस करना जरूरी था। मैच की तरफ हम चलेंगे। मैं नहीं खेलने वाला था, रात में निकेश मात्रे को मेरे को बोला, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं अगड़ी था, लेकिन फिर भी सुबह भी फोन किया कि जहीर तुझे खेलना है। यानी निकेश मात्रे निकले हो शेख चिल्ली की तरह, जिस डाली पे बैठे थे वो जीत की गाड़ी में सवार होना चाहते थे, अपने ही पैर पर उन्होंने आपको निमंत्रण देकर कुल्हाड़ी मारी है। उसी गाड़ी का टायर पंक्चर जरूर हुआ था, लेकिन ये स्वीप शॉट खेला बल्लेबाज अकीब ने सिंगल के लिए। लेकिन यंग खिलाड़ी है तो दूसरी तरफ जिस तरीके इम्बा और शोएब का जो पैतरा है ना, इस पैतरे में जरूर फंसाना चाहेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर चक्रव्यूह तो जरूर रचा जाएगा, लेकिन इन आधुनिक अभिमन्युओं को उन चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। चक्रव्यूह, क्योंकि चक्रव्यूह रचाया जाता है, चाणक्य नीति अपनानी होगी चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए। हाँ, बहुत पुरानी जोड़ी है ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की। सेल्फी के लिए खेलते थे। सेल्फी का नाम मत लो अभी, ये का नाम लो। सेल्फी का इधर किस में लाए तुमने? ये देखिए, अच्छी गेंद के दी, कवर्स में खेलने की कोशिश की थी, गेंदबाजी काफी अच्छी है। जैसे ही सेल्फी का नाम लिया डॉट गेंद आई। सेल्फी मतलब डॉट गेंद, स्टार 9191। देखिए जहीर, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, सभी जर्सियों के ऊपर मुझे एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, 91 91 91, इसकी क्या वजह है? लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला। जहीर आपने बताया नहीं 91 91 का राज क्या है। 91 91 के राज, यानी के हमारे जो भाई थे उनका नंबर था 9191 फेवरेट, उसी वजह से हमारे अमान पटेल ने इस 9191 को आगे बढ़ने का काम किया है। तो देखिए नंबर्स एक ऐसे सिचुएशन में आते हैं जब दुख भरे पल भी हो, तो इस नंबर की वजह से आपके भाई को जरूर याद किया जाएगा। लेकिन ये गोल्डन फिश मछली, गोल्डन विकेट, ये रे ये हाँ, निश्चित तौर पर प्रीतम दादा मात्रे का पूरा डंका बजाया जा रहा है इस ओपीएल में। लेकिन अकीब देखिए शून्य पर गोल्डन डक का शिकार होते हुए, लेकिन एक रन निकाला था इन्होंने, क्या स्कोर है रही है? जीरो। थोड़े स्कोर ने मुझे बताया था एक सिंगल उन्होंने निकाला था ये मुझे पता था, लेकिन लगातार तीन चौके, लगातार तीन छक्कों के लिए बिलाल को शादाब और चंदन की तरफ से 2500। देखिए कैच तो जरूर लेंगे हम, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, क्या गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज विवेक की। अकीब के आउट होने के बाद मुझे लग रहा है कि 5 ओवर 11 की औसत 55 रन काफी मुश्किल हो सकते हैं टीम 5-2 5-6 आयशा 11 के लिए। जहीर क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन रन तो अभी काफी मुश्किल हो ही जाएंगे 100% मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आकिब के आउट होने के बाद इतना बड़ा स्कोर करना एक मुश्किल की बात है। ये देखिए इस तरह की अगर फील्डिंग होती है तो और भी ज्यादा मुश्किल हालात पैदा होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जब जॉन्टी रोड्स थे 250 या 230 भी अगर चेस करने हो, 230 अगर अफ्रीका के खिलाफ चेस करने हो तो अपोजिशन समझते थे कि उन्हें 250 रन चेस करने हैं, 250 अगर बनते थे तो लोग समझते थे उन्हें 275 रन चेस करने हैं, क्योंकि 20-25 तो ऐसे ही बचा लेते थे पॉइंट पर जॉन्टी रोड्स। लेकिन जॉन्टी रोड्स थे उस टाइम, हर्षल गिब जैसे फील्डर थे, काफी जबरदस्त फील्डिंग उस वक्त हुआ करती थी साउथ अफ्रीकन टीम। और हमारे सर रविंद्र जडेजा, क्या फील्डिंग होती है उनकी इंटरनेशनल लेवल पर। 4 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद, देखिए यहां से ऊंची उड़ान भरनी होगी
यहां से जीत के लिए उस विनिक्स पंछी की तरह लड़ना होगा जो रात के ढेर से में भी अपने जीवन को तलाशता है, एक नई उम्मीद जगाता है अपने जीवन में रोशनी लाने के लिए। इन दोनों बल्लेबाजों को अपनी टीम के स्कोर कार्ड पर, स्कोर कार्ड में अगर रोशनी लानी है जो अंधेरा छाया हुआ है चार रनों की वजह से, उजाले की ओर अगर लेकर जाना है तो बाउंड्री छे इस दूसरे मैंडेटरी पावर पे के दूसरे ओवर में जहीर एक्सेलेटर पर ताव जरूर इन्हें देना होगा इनिंग की गाड़ी को खींचने के लिए। लेकिन इनके जो हौसले थे वो थोड़े पस हो चुके आकिब के आउट होने के बाद, उन अब हौसलों से कहीं ना जो हौसले पस हुए उनसे कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा। जहीर स्टार ओवर टीम कई जगह पर खेलती है, कई जगहों पर मैंने देखा है इनका अच्छा परफॉर्मेंस, कई बार बुरा परफॉर्मेंस भी हुआ है, जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, यानी कि वो खेल का भाग है। लेकिन आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 में आपके कौन से ऐसे फील्डर है जिन्हें आप सर्वोत्तम फील्डर मानेंगे? आकिब पटेल एक जबरदस्त फील्डर है जो कि बॉर्डर लाइन में फील्डिंग करते हैं, काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं आकिब पटेल। आकिब पटेल है, धीरज मात्रे है, ये अच्छे फील्डर। निकू मात्रे के पास हम चलेंगे जो रिएक्शन जानना चाहते हैं आकिब का एक रन पे आउट होने के बाद। निकू तो रागोले ना बोले, आकिब बोलना चाहेगा हरकत है, आकिब शर्माना नहीं है इस खेल में, शेर की तरह दहाड़ होनी चाहिए, जिस तरह रायगढ़ के टाइगर जब भी मैदान पर आते हैं दिखाते हैं शेर की झलक सबसे अलग, उसी तरह खेल होना चाहिए। नॉन स्ट्राइकर इन पर बिलाल, स्ट्राइकर इन पर अरबाज, बाएं हाथ के बेहतरीन खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर। देखिए मैच गेंद को ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, पूरी ताकत से मारना होगा आपको अगर गेंद को मारना है, बाउंड्रीज हासिल करनी है। शिवा गुंदली यहाँ पर आ चुके हैं, उनका जरूर मैं स्वागत करना चाहूंगा। अरबाज खेल बिंदास जरूरत में जाके, तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, मैं रिक्शा में था सुन रहा था कि आपकी टीम तो देखिए एनर्जेटिक ड्रिंक हमें दिया है शिवा ने उपवास है, आज गणेश जी का जन्मदिन, मंगलवार हमेशा हमारा उपवास रहता है और उसमें बात संकष्टी यानी कि आज की इस दिन को अंगार की चतुर्थी माना जाता है, तो परमार्थ की ओर भी बढ़ना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह मेहरबान किसके ऊपर होगा, किस टीम के ऊपर, ये भी देखना जरूर जरूरी है जहीर, क्योंकि साईं बाबा ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, सबका मालिक एक और सबका मजहब एक होना चाहिए, इंसानियत। ये क्या हुआ ग्राउंड में अरबाज, काय के ले हो? कुछ समझ में ही नहीं आया, नहीं गांव के यंगस्टर के, हमारा पूरे गांव को सपोर्ट है अमन मांडेकर, थोड़ी आजकल फील्डिंग खराब कर रहे क्यों नाम लूंगा, कुणाल ठाकुर फील्डिंग खराब कर रहे क्यों नाम लूंगा, कसो वाटता था जो खराब करेगा उनका नाम नहीं होता है, ये ध्यान में रखो। देखिए मैच अमन पटेल, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने हमारे यादों में रहने लायक कुछ काम किया हो, याद उन्हीं को किया जाता है। बैठा था है ना, सेल्फी बिल्फी वाले के ऊपर अपूर किसके ऊपर ध्यान देते नहीं करते नहीं, हमारे तेरे को मालूम है ना, वहां सब पैसे वाले लोग है। हाँ क्या? हाँ सबसे रिचेस्ट टीम, रिचेस्ट टीम, पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसने न की पैसे की रीत वो मांगे दर दर भीख। हंस गए पर भी इन भी हंस गया। बिल्कुल सही कहा आपने, पैसे का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में देखिए पैसा खुदा से बड़ा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, उसकी कदर हमें करनी चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है, देखिए सेल्फी वाले कह रहे हैं टीम नहीं, का नहीं, पैसा है तो सब कुछ, पैसे से जीत नहीं खरीद सकते तुम, चैन सुकून और शांति ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने संतुष्ट हैं। पानी का गिलास अगर आधा भरा हो तो हम उसे आधा खाली भी कह सकते हैं लेकिन आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं। देखिए गरीब सुकून से जिया क्या, नोटबंदी हुई थी नहीं जिया था, बैंक की लाइन में उन्हें खड़ा होना पड़ा लेकिन ये छक्का था मस्ट नीडेड और ये छक्का दागा बल्लेबाज आफ्ताब मांडेकर ने। देखिए मांडेकर तो कुछ कर अपनी टीम आयशा 11 5256 के लिए, रेडबुल और हेल है आयवा कैच के लिए, किसने लिया आयवा कैच, किसने लिया, फरहान फरहान आई है,
आ जाओ आईवा कैच के लिए। किसकी तरफ से हेल है? नौफिल और वसीम। नौफिल और वसीम, रेड बुल और हेल, कैमरे में आप कैद हो चुके हैं। देखिए जहीर मैच की तरफ हम चलेंगे। 55 रनों का उद्देश्य है, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। गेंदबाज तैयार और यह बहुत ही बढ़िया ब्लॉक के ऊपर से खेला। गेंद जरूर लौंगा बाउंड्री के बाहर ट्रैवल हो सकती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई अंतिम क्षणों में। तीसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। ये देखिए, ये कमिटमेंट ना जहीर होनी चाहिए खिलाड़ियों को एक दूसरे के प्रति। पहला रन मिला, देखा कि गेंद बाउंड्री पार नहीं हो सकती, थोड़ा आउटफील्ड थोड़ी गेंद ने छक्का मारा। देख स्टार के खिलाड़ी ने अमन छक्का मारा, वो हो गया क्या? हाँ, इसीलिए अमन कह रहे थे कि भाई नॉन स्ट्राइकर इन का नाम लो। चलिए आईवा कैच वाले आ चुके हैं। एक हेल और एक रेड बॉल। अरे है बाबा है, सुबह से दे रहे हैं हम लोग। व्हाइट बॉल, और ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। देखिए धीरे धीरे ये टीम वापस आती हुई 55 का पीछा करते हुए। सभी यंगस्टर्स हैं। नो फेल भाई, आपको उसको रुकाना चाहिए था, इतने दौड़ते आए तो फिर क्यों तुमने इधर आने दिया उसको? फिर आए तो दे दो ना, फिर दुकान पे गए शायद। और बिलाल लगातार दो गेंदे या फिर शोएब ने वाइट फेंकी और दो रनों के साथ टीम का स्कोर 2 से बढ़ता हुआ 16 रन। देखिए 20 गेंदे 39 रनों की जरूरत है, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 11 के औसत से इस टीम को 55 बनाने हैं 5-2, 5-6 आयशा 11 को। राइट आर्म राउंड द विकेट और यह बहुत ही तगड़ा खेला है। गेंद हवा से लहराते हुए बातें करते हुए आर पार स्टेडियम बाल। इस ओवर में यह लगाया गया दूसरा छक्का बल्लेबाज बिलाल द्वारा। देखिए जंग अभी भी जारी है। ये लगाया सेल्फी छक्का। देखिए बल्लेबाज खुद ऑर्गेनाइजर है इस ओवर प्रीमियर लीग के। हाँ देखिए दोनों बल्लेबाजों को अमान पटेल इनकी तरफ से 200-200 का इनाम है। हर छक्के के लिए इनाम ये दिया जा रहा है। फिर से एक बार अक्रॉस लाइन, लेकिन रन कितने बने? 22। देखिए 11 की औसत, जो पहले ओवर में पिछड़ी हुई टीम थी, 4 रन बने थे। अब 2 छक्कों की वजह से 11 की औसत मेंटेन की है इन्होंने 22 दो ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए ज्यादा। 33 रनों की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। निको लाइव मैच चल रही है, निको क्या खाली टेंशन दे रहा है? एक रे न फिर बढ़ते। हाँ निको को काम भी ना आ रहा ना बाकी। ओपीएल में मैंने कई बार देखा है निकेश मात्रे या तो लीग स्टेज से ही बाहर होते हैं। आज तक फाइनल खेला क्या इन्होंने? नहीं खेला है फाइनल इन्होंने, कभी कभी नहीं खेला है ओपीएल। हाँ ये विराट कोहली है इस गांव के, आईपीएल का फाइनल का नहीं खेले विराट कोहली। इसी तरह वो कहते खेले है शोएब ने, एक बार बोलते हराया है उनको फाइनल को। वो अभी मीटिंग होगी रात में। विराट कोहली खेले लेकिन जीते नहीं क्या बतौर कप्तान? सोपन बैक टू बैक दो बार पहुंचे सोपन, उसके पैसे बहुत लोहे के चने होते हैं। वो भी आए देखो सोपन भोईर, वो फाइनल में गए साल भी थे इस साल भी। कोई कोई रहता है परवीन, जो फ्रेंचाइजी रहते ना फ्रेंचाइजी, उनके कुछ के लोगों के पैसे ऐसे रहते हैं कि सामने कितनी भी ताकत क्यों ना हो वो जीतते हैं। चलिए सीनियर कमेंटेटर है जहीर पटेल, आप यही तो मजा रहता है, लेकिन ओपीएल में यही तो मजा रहता है। 2 दिन में मजा आता है, खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मेलजोल के साथ रहते हैं। लेकिन ओवर नंबर 3 विवेक, पिछले ओवर में इन्होंने मैच 4 रन दिए थे, 22 रन बन चुके हैं 18 गेंदे और 33 रनों की जरूरत। यंगस्टर से भरी है फौज, एंजॉय ग्रुप के खिलाफ खेल रही है आयशा 11। 5-2, 5-6, 52-56 जीतेगा वो कम से कम नंबर 2 या नंबर 1 की ट्रॉफी का हकदार जरूर होगा। 2 का तो कंफर्म होगा लेकिन एक नंबर पे 25,000, 2 नंबर पे 15,000। देखिए 40
कान देखो कान कितने, अरे साढ़े बारह, इतना डायरेक्ट बोलने की जरूरत क्या, 25 से भी ज्यादा बोला हूँ ना। देखिए ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं कि भाई कमेंटेटर्स भी है हमारे लिए, अंपायर्स भी है, लाइव भी है, 2500 बढ़ेंगे तो और ज्यादा लोड होगा हमारे दिमाग के ऊपर। हाँ सीरीज भी है, कूलर है, जूते है, हाँ वाटर गाड़ी कमी होती पास है इतना बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर रीजन पर खेला गया था, एक रन जरूर मिला है, उतनी अच्छी फील्डिंग जरूर। जहीर आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं लेकिन अभी पूरी मैच काफी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, अब तीन और कॉमेडी बहुत अच्छी करो जरा। हाँ बिल्कुल मैच काफी इम्पोर्टेंट है, मैच की तरफ हम चलेंगे, सेमीफाइनल जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, सभी की दिल की धड़कनें तेज हो रही है जो सपोर्ट कर रहे हैं हिम्बा को, एंजॉय ग्रुप को, और सभी की दिल की धड़कनें तेज हो रही है जो Y2 Y6 आयशा इलेवन को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन आएगा चैंपियन की रेस में, विवेक मात्रे देखिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए, काश मैं ये बन सकता हूँ, काश मैं ये बन सकता था इसके बजाय। बाहर बिलाल नहीं थे टेंशन के घेरों को लगा थे, बाहर मांग तो सब खेलते नहीं, ये लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी बिलाल, शायद यही उन्होंने सोचा है, मैं लड़ूंगा खेलूंगा और जीतूंगा। और यह एज लगा, गेंद हवा में, इम्बा ने अपनी सीनियरता का प्रमाण दिखाया, कैच लिया, आउट होने वाले खिलाड़ी बिलाल डीजे। देखिए जिस तरह यह क्रिकेट जहीर रंग बदल देता है ना, टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 23 रन, 32 की अभी जरूरत है। उसी तरह हमारे कमेंटेटर्स भी रंग बदलू होते हैं क्योंकि हमारे दिल में कुछ और होता है और बोलना कुछ और पड़ता है। अभी कौसा में जो मैच चल रही है उस ग्राउंड के ऊपर, उसका 35,000 दिन का भाड़ा है और 18% GST है। इन OPL के आयोजकों को इस साल फ्री दिया है, लेकिन अगले साल जो भी OPL रखेगा 28% GST और 10,000 दिन का भाड़ा होगा, तो OPL रखो। गांव वालों का क्या हिस्सा इसमें, और किसका क्या हिस्सा इसमें, गांव वालों का हिस्सा भी मांगते तेरे को। चलिए मजेदार किस्से, आपने इन्हें पहली मैच में हरा के एंजॉय ग्रुप को, लेकिन एंजॉय ग्रुप ने उससे भी बड़ा जख्म आपको दिया, डिसाइडर मैच में आपको हराया। जख्मी शेर का घाव बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि शेर जब भी दो कदम पीछे चले जाए ना, आप ये मत सोचिए कि वो आपसे डर गया, वो दो कदम इसलिए पीछे जाता है कि एक ऊंची छलांग लगा के आपको ऐसी जकड़ में लेकर आए ताकि उसकी जकड़ से आप छूट ना पाए। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, एक रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा, दूसरा, और यह दूसरा रन मिलता हुआ। देखिए इस ओवर में इसी रणनीति के साथ खेलना होगा, विकेट्स नहीं गंवाने हैं, और विकेट्स अगर नहीं गंवाती तो अगले दो ओवर में आपको 25-26 रन अगर रहते हैं तो बन सकते हैं। 13 गेंदे 28 रनों की जरूरत, 27 रन हो चुके हैं, 55 की दूरी तय करनी है। स्ट्राइकर इन पे इस वक्त अज्जो, ये देखिए अब 12 गेंदे 14 के औसत से 28 रनों की जरूरत, 12-28, और इसके बाद सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलेगा फाइनल को, कोई भी जीते दोनों में से, ज्यादा टाइम पास नहीं होगा। अर्धा दस नको 10 मिनट बस हो, 15 मिनट दे, नहीं नहीं 10 मिनट ही दिए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा जहीर आपने, क्योंकि हर एक का समय एक फाइनल मैच के लिए हम बर्बाद नहीं कर सकते। दर्शक देखिए, दुगाड़े सर शादाब पटेल फाइनल में, शादाब दादा है वो, दादा शादाब पटेल फाइनल में पहुंच चुके, दो तीन डांडे उरुले ना निको, धन धन डांडे उरुले शादाब दादा, शादाब जरा ज्यादा दावर टोन दूसरा हथकर शादाब, हाँ तो दादा कल फाइनल में वो पहुंच चुके हैं शादाब। अच्छा गेंद, 3 विकेट निकाली उन्होंने कल, अच्छी गेंदबाजी की है। ओवे प्रीमियर लीग काफी बढ़िया हो रही है ये OPL। देखिए अगले साल तो मैं कहता हूँ खिलाड़ियों के लिए ऑर्गेनाइजर द्वारा खाना भी होना चाहिए, दर्शकों के लिए भी, क्योंकि मजा आता है, क्योंकि एक लीग मैंने देखी है करजाड़े प्रीमियर लीग, रोज 1500 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं उस लीग में, खाना खाते हैं। लेकिन इस साल जो OPL गई ना वो गलत लोगों के हाथों में गई है ना, इसलिए थोड़ा टेंशन है, सही लोगों के हाथों में जानी चाहिए थी।
ऐसा नहीं बोल सकते आप, इतना शानदार अगर ऑर्गेनाइजेशन किया है तो नहीं, तो आप खाने की बात कर रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम फिर देखो ऐसा देख रहा है तो सिर्फ देखिए अफान अफान मेन ऑर्गेनाइजर है। 12 गेंदे और कितनी चाहिए? 28। चलिए यहाँ पे एक्सेलेटर पर ताव देना होगा, इनिंग की गाड़ी को खींचना होगा, लंबे हिट्स लगाने होंगे, लेकिन क्या ये होगी बाउंड्री? अगर ये बाउंड्री आती है तो शुरुआत अच्छी है। 11 गेंदे अब 24 रनों की जरूरत, ये बाउंड्री लगाई बल्लेबाज आफ्ताब ने। तो अशरफ मामू भी फिर से एक बार आ चुके हैं, उनसे भी मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि फाइनल में हमारे साथ थोड़ा शेर शायरी करे। जेर जवाला है बागन जवाला है रच्चे खाना, अशरफ भाई खाना बोले है रात में बाग में, निकेश मात्रे ने कहा है, लेकिन कल मत कर रखो ना, आज का ही को रखते हैं ना, आज 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 लोग थके हुए हैं, लोगों का उपवास पर है आज, तवास कमी खाते ना। नहीं नहीं अशरफ मामू डरने वाले में से नहीं है, खिलाने वाले इंसान है, खिलाने वाले इंसान है। नूरा पटेल अभी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन 11 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। मैच देखिए सेमीफाइनल का, यहाँ पर जीतेंगे तो चैंपियन बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। ये शॉट अपने गेंद की थी, गेंद ने उछाल लिया, वन बाउंस का इशारा करते हुए तौसीफ पटेल फाइनल से कैप्टन आले भैया आया भैया सोहेल पटेल फाइनल के कप्तान है, ये फाइनल खेलने का मौका मिला इन्हें इस साल और में। कुल मिला के 113 रन है उनके विकेट मिला के, यानी कि सीरीज तो उनको पहुंच चुकी है ऐसा समझो। तो टेम्पो ला ले बाजूला टेम्पो लेगा। देखिए निकेश मात्री ने मुझे खासा निराश किया, क्योंकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर स्टार हुए के अच्छे बल्लेबाज, कई बार बाइक जीती है इन्होंने, लेकिन आज बहुत फालतू खेले। हर साल हर साल ओ क्या जरूरत थी है? अच्छू एक था ना आरो। देखिए निकेश मात्रे को जब मैंने पूछा कि आपका यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है परफॉर्मेंस, तो उन्होंने कहा बंगाल का जादू मेरे ऊपर इस्तेमाल शायद होता होगा, पैर मेरे जो पैर है वो हिलते ही नहीं क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर इस ओपीएल में। तो फिर घुंघरू पहनने के थे, हिल जाते थे। टोटल टोटल आ चुका है 32, 10 गेंदे 23 रन, 10 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। चलिए अब मैच की तरफ हम फोकस करेंगे, 10 गेंदे 23, 9 गेंदे 3 गेंदे हो चुकी है, 9 गेंदे 23 रन। जहीर जरा मैच पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि गलत मैसेज अगर पहुंच गया तो खिलाड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं और अपने ऊपर भी देख सकते हैं। हाँ 9 गेंदे 23 रनों की जरूरत और इस गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन पर, एक रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, और यह हल्का सा फंबल और दूसरा रन मिलता हुआ। 8 गेंदे अब 21 रनों की जरूरत, कम से कम इन दो गेंदों में एक छक्का आना चाहिए, मजा आएगा आखिरी ओवर में। 21 रनों की जरूरत 8 गेंदे, 8 बोलो 21 भाई पांडे, 8 गेंद में 21 चाहिए, 34 हुए हैं, 21 आपको जीतने के चाहिए, 22 बनाएंगे फिर भी चलेगा, 23 बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन 21 कंपलसरी बनानी ही होंगे। 20 नहीं चलेंगे, 34 रन, 55 का पीछा करते हुए 8 गेंदे 21 रनों की जरूरत। गेंदबाज सुहास और ये बहुत ही बढ़िया, ये मिलेंगे 4, 17 की जरूरत है इसे, मराठी में क्या कहते हैं जहीर? ये सुपला शॉट मारा जरूर, लेकिन ये फील्डर था ना लेग का, ये कीपर के पीछे क्यों भाग रहा था? गेंद के पीछे भागना चाहिए था, इसके हाथ में गेंद थी, ये भागा कीपर के पीछे। नहीं निकू देखो ना तुम, रिवाइंड करके देखो लाइव। हाँ लाइव देखो ना, हमारा ध्यान रहता है। सत्रह रनों की जरूरत है, 7 गेंदे 17 रन, 17 गेंदे 7 रन, कौन सी टीम? 17 गेंदे 7 नहीं, 7 गेंदे 17, 7 गेंदे 17, 17 रन 7 गेंदे। देखिए 7 गेंदे 17 रनों की जरूरत, मैच की तरफ हम फोकस जरूर करेंगे, हंसी मजाक तो यही होता रहेगा, लेकिन ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और ये चौवा आता हुआ
अब रनों की जरूरत है 13 रनों की जरूरत है। ये चौवे ने मैच में मजा ला दिया। अभी दो चौवे आए, देखिए मैंने एक छक्का कहा था लेकिन दो बाउंड्रीज आई, 8 रन आए, और जो 28 रनों की जरूरत थी मैंने कहा था ये रन बन सकते हैं आखिरी दो ओवर में अगर कोशिश की जाए तो। यकीनन, लेकिन 8 गेंद 21, ऐसा मुझे लगा था मैच छूट रहा है। ये दो चौवे कहीं ना कहीं मैच में मजा लाने वाले दो चौवे। देखिए 6 गेंदे, अब 13 रनों की जरूरत, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में एक कांटे। अरे ऐसा कैसा कोण देऊ शकते, बॅटीला बोल मला लागले ना तू बिमोर वगैरे काय पोरा रे, असं तर नाही देऊ शकत। तरी अंपायरला पूछ ना, अंपायर तर देते ते घे, आमचा काहीच हरकत नाही त्यान। अंपायर देखो आपके जेब में क्या चेक किया था किसने, अरबाज पटेल ने। आप टेंशन बढ़ चुका है इम्बा और सुयब का। हाँ देखिए, लेकिन इम्बा के पास एक्सपीरियंस है। लेकिन बामा जी डब्बी देवा लगे नल्ला था, बाम बाम वो देना पड़ेगा। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, और इम्बू घुमाया। चलिए ऐसा किस्सा हमने देखा है आज की तारीख में टूर्नामेंट में, जादू हम खुद गवाह है जादू किस तरह से होता है। तीनों थे, कैमरा मन भी था, कृष्णा भी थे और मैं भी था, लेकिन टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 42। 6 गेंदे, अब 13 रनों की जरूरत। आके भी ना आके बेटा, ये छठ क्रिकेट से वाट लावले गेम ची आके तूने आवडी वाडगी आता काय होईल, आता होते काय, आता ते घेतील, आता ऐकतीन का सांगते आके, नको आगे गलत। 6 बॉल 13, चलिए अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा। हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ लेकर आ रहे हैं, इम्तियाज भाई और अफजल भाई, इन दोनों का मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा तहे दिल से। जहीर, दोनों मेहमान है हमारे, इम्तियाज भाई जिन्होंने नंबर 2 का किताब हमें दिया है। 13 रनों की जरूरत है, 1 रन तो जरूर मिलेगा, लेकिन क्या बाउंड्री की भाषा बोलेंगे बल्लेबाज। 5 गेंदे, अब 12 रनों की जरूरत, 2 छक्के अगर लगाते हैं बल्लेबाज तो आसान होगा उनके लिए, लेकिन 1 छक्का तो कम से कम लगाना ही होगा। तो हमारे स्पॉन्सर्ड इम्तियाज भाई यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। नंबर 2 की इनामी राशि इनके द्वारा हमें प्रदान की गई है ओपीएल में। देखिए इम्तियाज भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे हम। इस टूर्नामेंट में जो भी खिलाड़ी बड़ा होगा उसे आपका आशीर्वाद मिल चुका है, नंबर 2 की इनामी राशि, तो जरूर आपकी दुआ के साथ ये टूर्नामेंट आगे जाएगा। फ्लेक्स नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर भी इम्तियाज भाई का, लाइव के जरिए लोग घर बैठे इम्तियाज भाई को पहचान रहे हैं, क्योंकि आपका फ्लेक्स और आपकी छवि हमने हमारे कैमरे में कैद हो चुकी है। 5 गेंदे, 12 रन, दिल की धड़कने होती हुई तेज, कौन जीतेगा? इम्बा का एक्सपीरियंस, क्या इन यंगस्टर्स का जोश, जीतेगा कौन आखिरकार? अच्छी गेंद डाली गई थी यॉर्कर, 4 गेंदे, अब 12 रनों की जरूरत, क्या गेंद डाली थी यॉर्कर सर, राइट अप इनटू द ब्लॉक होल। थैंक यू सो मच सर, देख सकते हैं यॉर्कर लेन की गेंद डाली थी, मैं अगर रहता गावटी भाषा में कहता बूंदा मारला बूंदा, ले भारी भावा, संगाला है धोखा बिंदास ठोका, ठोकल्या ते जिंकल्या हुकल्या ते मुकल्या। बिल्कुल सही कहा आपने, हुकला तो संपला राजा, खेला क्रिकेट जाए तो यहाँ पे गेंदे डॉट नहीं खेलनी है, इस तरह से खेलना है, उड़ाया है नंबर 6। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो स्ट्राइकर इन पे खिलाड़ी है आफ्ताब, इन्होंने कहा है कि मैं लड़ूंगा, मैं संघर्ष करना जानता हूं और संघर्ष पूर्ण जीत जीतना मेरी आदत है। 3 गेंदे, 6 रनों की जरूरत, 400 देखिए अमान पटेल की तरफ से जमा हो चुके हैं, और ये छक्का आता है ना आफ्ताब के लिए, हमारे लिए तो क्या, उनके दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। खाना खिलाने का वादा 6 महीने पहले किया है उन्होंने, इंतजार कर रहा हूं मैं भी, और ढूंढ रहा हूं सनी देओल की तरह, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 3 गेंदे, 6 रनों की जरूरत, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा?
थोड़ा फंबल देखिए, इस वक्त फंबल वंबल नहीं हो सकते। दो रनों की देखिए, अभी दो रन आ चुके, दो गेंदे चार रन, भारत बनाम पाकिस्तान वैसा ही मुकाबला नजर आ रहा है मुझे। 51 रन हो चुके, अब चार रनों की जरूरत है, दो गेंदे कंपलसरी चेसिंग। मैच सेमीफाइनल जैसा होना चाहिए था, ऐसा मैच हो रहा है, सेमीफाइनल का प्रेशर, दो गेंदे चार रन। सोचिए अगर एच वगैरह लगा और विकेट कीपर के पीछे से बाउंड्री आई तो कितना दिल को ठेस पहुंचेगा फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। हिम्बा अब टेंशन में आ चुके हैं, दो गेंदे चार रन, ओपीएल का सरताज बनने के लिए यह पायदान जीतना जरूरी है। सेमीफाइनल शोएब की टीम पिछले साल फाइनल खेल रही थी, जीती क्या फाइनल, फाइनल जीती थी, विनर टीम थी। और देखिए विनर को दोबारा एक बार साबित करना होगा कि पिछली लीग हमने क्यों जीती। अब तक मांडेकर 33 रनों की एक जुझारू पारी, दो गेंदे चार रन, राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस किया और यहां से मैच हुआ खत्म और इस मैच को जीता 5-2, 5-6 आयशा 11 ने। मेरा अंदाजा कभी कभी गलत होता है, कई बार सही होता है। चलिए 10 मिनट के बाद फाइनल शुरू होगा, लेकिन इस मैच का मैंने तो मैच आपका अब हेलो हेलो, क्या बढ़िया मुकाबला यहाँ पर हुआ दोस्तों, बिल्कुल पैसा वसूल मुकाबला, जैसा सेमीफाइनल होना चाहिए था वैसा सेमीफाइनल यहाँ पर हुआ है। अंतिम दौर तक दिल को दहलाने वाला मुकाबला था, लेकिन अंतिम क्षणों तक मैच को छोड़ा नहीं था बल्लेबाज।